नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये उपाय एडी से चोटी तक सभी ब्लॉकेज को खोल देगा, चाहे 90% हार्ट ब्लॉकेज हो या फिर शुगर की कितनी भी पुरानी से पुरानी बीमारी हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दो ऐसे जबरदस्त नुस्खे बताने वाले हैं, जिनका प्रयोग करके आप अपने शरीर की हर ब्लॉकेज को खोल सकते हैं। और ना सिर्फ ये नुस्खा हार्ट ब्लॉकेज के लिए काम करेगा बल्कि शुगर रोग को भी बिल्कुल सही कर देगा, चाहे आपका शुगर रोग कितना भी पुराने से पुराना हो। दोस्तों, अगर मैं ब्लॉकेज की बात करूं, चाहे फिर ब्लॉकेज शरीर के किसी भी भाग में क्यों न हो, ये नुस्खा एडी से चोटी तक शरीर की सभी ब्लॉक नसों को खोल देगा और आपके शरीर को बिल्कुल निरोगी बना देगा। इसके साथ शुगर रोग का खात्मा कर देगा और आपके शरीर को निरोगी बना देगा, आपके शरीर की इम्यून पावर को बढ़ा देगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक पाउडर बनाना बताएंगे और एक काढ़े के बारे में बताएंगे। आपको इन दोनों का ही सेवन करना है, जैसे कि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इस आयुर्वेदिक पाउडर के बारे में। इस पाउडर को बनाने के लिए जरूरी सामग्री 1 ग्राम दालचीनी, 10 ग्राम काली मिर्च साबुत, 10 ग्राम कद्दू के बीज, 10 ग्राम तेज पत्ता, 10 ग्राम मगज, 10 ग्राम मिश्री डाला साबुत। दोस्तों, यदि आप डायबिटीज पर्सन हैं, तब आपको इसमें मिश्री नहीं मिलानी है, और यदि आपको डायबिटीज नहीं है तब आप इसमें मिश्री मिला सकते हैं। 10 ग्राम अखरोट की गिरी और 10 ग्राम अलसी। दोस्तों, ये टोटल सामग्री 71 ग्राम हो गई 71 ग्राम, और ये आपको किसी भी नजदीकी पंसारी की शॉप से मिल जाएगी, या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी इसको बाय कर सकते हैं। अब इन सभी सामग्री को लेकर मिक्सी में डालकर इनका बिल्कुल पाउडर बना लें, और 7 ग्राम की आपकी 10 पुड़ियां बन जाएगी, क्योंकि टोटल सामग्री 71 ग्राम थी। अब जानते हैं इसके सेवन की विधि। दोस्तों, एक पुड़िया हर रोज सुबह खाली पेट आपको पानी से लेनी है, और 1 घंटे तक आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं है, चाय भी आपको नहीं पीनी है। इसके साथ में 1 घंटे के बाद आप 1 गिलास नींबू पानी में 2 चुटकी मीठा सोडा डालकर पिए। इस प्रयोग के साथ में आपको दिन में अगर संतरे का मौसम है तो 2 से 3 संतरे या मौसमी जरूर खानी है, अन्यथा 15 से 20 ग्राम आंवला चूर्ण जरूर खाना है। ये तो हो गया पाउडर का प्रयोग। अब जानते हैं काढ़े के बारे में, और काढ़े का सेवन आपको करना है शाम को खाली पेट। सुबह खाली पेट ये चूर्ण लेना है और शाम को खाली पेट ये काढ़ा पीना है। अब काढ़ा बनाने की विधि। दोस्तों, इस काढ़े के लिए आपने 2 कप पानी यानी 1 गिलास पानी लेकर आग पर उबलने के लिए रख देना है, जैसे कि ये हमने रख दिया, आप देख रहे होंगे। अब इसमें 50 ग्राम अर्जुन की छाल डालनी है। दोस्तों, यदि आपके पास छाल है तो आप छाल भी डाल सकते हैं, या यदि आपके पास पाउडर है तो आपने 1 चम्मच पाउडर का प्रयोग करना है, अर्जुन की छाल के पाउडर का। पर यदि आपके पास छाल होगी तो वो बेहतर है, क्योंकि छाल में हमें ये गारंटी रहती है कि ये बिल्कुल प्योर है, इसमें किसी चीज की कोई मिलावट नहीं है। तो आपने इसमें 50 ग्राम अर्जुन की छाल डालनी है और इसको पकने देना है। अब इसमें दूसरी सामग्री आपने डालनी है दालचीनी, और दालचीनी डालनी है आपने 1 चुटकी, और इन दोनों सामग्री को डालकर इस काढ़े को पकने देना है, और आपको तब तक पकाना है इस काढ़े को जब तक कि आपने 2 कप पानी लिया था और वो उबल उबल कर 1 कप न रह जाए। और जब यह काढ़ा उबल उबल कर 1 कप रह जाए तब आप इस काढ़े को छान लें, और इस काढ़े का सेवन हर रोज शाम को खाली पेट करें। और दोस्तों, यदि आप ऐसा करेंगे तब इससे होगा क्या? दोस्तों, एडी से लेकर चोटी तक यदि आपके शरीर की कोई भी बंद नस होगी तो वो खुल जाएगी, और चाहे आपका शुगर रोग कितना भी पुराने से पुराना हो, वो शुगर रोग भी बिल्कुल सही हो जाएगा, चाहे आपकी शुगर 380 हो या फिर 480 या कितनी भी रहती हो, इन दोनों प्रयोगों से वो बिल्कुल सही हो जाएगी। बस आपने शुगर रोग के बारे में ये ध्यान देना है कि पहले पाउडर को बनाते समय उसमें मिश्री का प्रयोग नहीं करना है। दोस्तों, आपको ये दोनों ही लेने हैं, और हार्ट पेशेंट के लिए यदि हार्ट पेशेंट इन दोनों नुस्खों का प्रयोग करते रहेंगे तो पूरी जिंदगी उनको हार्ट अटैक या लकवे का खतरा नहीं होगा। ये उपाय पूरे शरीर की सभी ब्लॉकेज को खोल देगा, चाहे आपके हार्ट में 90% ब्लॉकेज हो या फिर आपका शुगर कितना भी बढ़ा हुआ हो। तो दोस्तों, ऐसे आपको इन दोनों नुस्खों का प्रयोग करना है। अगर आप हार्ट ब्लॉकेज, शरीर की किसी भी ब्लॉकेज या शुगर रोग, या अपने शरीर की इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों नुस्खे आपके शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को भी बढ़ाएंगे, जिससे कि आपको फिर कभी किसी भी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों,
देर किस बात की है, आप भी इनको आज ही अपने घर पर बनाएं और इनका प्रयोग करें और फिर देखें इनका रिजल्ट। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहे। धन्यवाद दोस्तों।